हेलो फ्रेंड्स, मैं जैन आपको अपने चैनल जैन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में वेलकम कहता हूं। आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, अल्लाह ताला ने हर फल में एक अलग तरह की खसूसियात रखी हैं। हर फल की एक अपनी क्वालिटी है। आप फॉर एग्जांपल केले की मिसाल ले लें। केले में बहुत ज्यादा पोटाशियम है, आपको एनर्जी देता है, आपके जिसमें अगर कोई वीकनेस होती है वीकनेस को पूरा करता है। इसी तरह तरबूज की मिसाल है, तरबूज जो है आपका जिसमें पानी की कमी को दूर करता है। दिल जो है, ये एप्पल है, एप्पल आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है, दिल को आपको कुवत देता है, दिमाग को कुवत देता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आजकल एक फल आया हुआ है, सीजन है उसका, स्ट्रॉबेरी। तो फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरी जो है एक बहुत अच्छा एक बहुत फल है। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत ज्यादा फवायद हैं। फवायद ये हैं कि आपकी स्पेशली स्किन के हवाले से इसके फवायद ये हैं कि आपकी स्किन को ये पीलिंग करता है आपकी स्किन पे। अगर कोई जिस तरह आपको एक्सफोलाइट करता है आपकी स्किन को, आपकी स्किन पे नए सेल्स बनाता है, पुराने सेल्स को रिमूव करता है, स्किन पे ग्लो लाता है, चमक लाता है। और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं कि आपको खाने में भी आप इसे यूज करते हैं, लगाने में भी इसे यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन, एक बहुत उमदा तरीन, एक औसम एक स्ट्रॉबेरी क्रीम लेके आया हूं जो होम मेड है, जिसे आप लगाएंगे रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले में आपने ये करना है कि आपने साबुन से हाथ मुंह धो के आपने बाजू पे, फेस पे, नेक पे, जहां भी आपने इसे यूज करना है आपने इसे लगाना है। आप 3-4 घंटे के लिए लगाए रखें तो भी इनफ है। अगर आप ज्यादा पूरी रात लगाना चाहते हैं तो भी आप रात को लगा के सो जाएं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सुबह उठ के आपने इसे मुंह धो देना है। फ्रेंड्स, अगर आपने इसे रात को लगाना 3-4 घंटे के लिए, तो आपने 3-4 घंटे लगाने के बाद आपने इसे फिर सादा पानी से मुंह धो देना है। आपने फेस वॉश या साबुन यूज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, चंद दिनों में देखिएगा कि आपका कॉम्प्लेक्शन कितना ज्यादा फेयर हो जाएगा। आपकी स्किन पे जो डेड सर्फेस सेल्स की जो लेयर होती है वो रिमूव हो जाएगी और आपका स्किन पे बहुत ग्लो आएगा, निखार आएगा। इस फ्रेंड्स, इसकी जो क्रीम है ये बिल्कुल बहुत ज्यादा चीप है। इसके अजसाज इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको ये 5-7 रुपए में आपकी क्रीम अप्लाई, 3-4 बार की अप्लाई एप्लीकेशन आपकी जो होगी ये जस्ट 5-7 रुपए में होगी ये। तो आप ये यूज करेंगे रात को सोने से पहले, तो देखिएगा आपका कितना ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको आज की हमारी इस स्ट्रॉबेरी नाइट क्रीम के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताऊं, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल जेन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकॉन का बटन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी डेली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने आपको एक फ्रूट क्रीम के बारे में बताया था जो चंद ही दिनों में आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करती है और 1 वीक से भी कम में आपके कॉम्प्लेक्शन को बहुत ज्यादा गोरा बना देती है, बहुत चिट्टा बना देती है। आपकी स्किन पे अगर एक्ने वगैरह के ब्लेमिशेज हैं उनको रिमूव करके, साथ में आपकी स्किन पे अगर कोई फ्रैकल्स के निशान है, सनटैन है, धूप में बाहर जाने की वजह से आपकी स्किन खराब हो गई या बाजू खराब हो गए तो उनको ये रिमूव करता है। आपके जो पोर्स खुले हुए होते हैं उनको बंद करता है। तो फ्रेंड्स, अभी मेरे कुछ व्यूअर्स ने पूछा था कि पोर्स क्लो करने के बारे में, पोर्स बंद करने के बारे में, तो उनके लिए फिर ये था कि मैंने एक रेमेडी बनाई है। एक ये फ्रूट क्रीम है, ये बहुत सस्ती फ्रूट स्ट्रॉबेरी क्रीम है, ये आप घर में भी बहुत इजीली बना सकते हैं। बाजार से आपको महंगी महंगी मार्केट से क्रीम्स परचेज करने की जरूरत नहीं। वैसे भी आजकल गर्मी है, समर्स में आपने ये क्रीम लगाएं, अगर आप रात को सोने से पहले क्रीम लगाते हैं 2 या 3 घंटे आपके सोने से पहले लगा लें, उसके बाद आप सादा पानी से मुंह धो के सो जाएं, उसके बाद सुबह उठ के आप फिर इसे साबुन से धो लें अपने चेहरे को, तो देखिएगा चंद ही दिनों में आपका कॉम्प्लेक्शन कितना ज्यादा फेयर हो जाएगा, कितना ज्यादा निखार आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसके लिए चाहिए हमें स्ट्रॉबेरीज। फ्रेंड्स, स्ट्रॉबेरीज का वैसे सीजन ऑफ होने वाला है, लेकिन अगर आप जो 3 पैक में होती हैं स्ट्रॉबेरीज या चेरीज होती हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं पूरा ऑल ओवर सीजन में, ऑल सीजन में आप इसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए होगा हमें दही थोड़ा सा, ये बादाम का चूरा पाउडर, फेयर एंड लवली क्रीम और थोड़ी सी ये मुल्तानी मिट्टी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको बनाने का प्रोसीजर आपको बता देता हूं कि आपने इसे बनाना किस तरह है। फ्रेंड्स, आप इसे बना के फ्रिज में रवि रख सकते हैं 2-3 दिन के लिए, उसके बाद फिर आप इसे डेली यूज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रॉबेरी लेनी है हमें, एक स्ट्रॉबेरी ले लिया ये। अब इस स्ट्रॉबेरी को थोड़ा सा हमें इसे थोड़ा सा क्रश कर लेना है। देखिए, स्ट्रॉबेरी को आपने इसे
आपने इसे अच्छी तरह क्रश कर लिया स्ट्रॉबेरी को। देखिए स्ट्रॉबेरी हमारी क्रश हो गई हो चुकी है। अब हम इसमें ये मुल्तानी मिट्टी है मुल्तानी मिट्टी का ये हम एक इतनी क्वांटिटी में आपने इसमें मुल्तानी मिट्टी डालनी है। ये साथ आपने इसमें थोड़ा सा दही डालना है आपने इसमें इतनी क्वांटिटी में आपने इसमें दही डाल देना है। देन उसके बाद फिर आपने इसे अगेन इसे अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये बिल्कुल एक लिक्विड मिक्सचर होता है ना कि मिक्सचर बन जाए। फ्रेंड्स इसके बहुत ज्यादा क्रीम के बेनिफिट्स हैं। आप इसे यूज करें डेली इसे यूज करें। अगर आप इसे पूरे नाइट नहीं लगाना चाहते अगर आपके चेहरे पर पसीना आ जाता है तो आपने ये करना है कि रात को सोने से पहले कुछ देर पहले आपने इसे चेहरे पर लगाना है 3 से 4 घंटे पहले आप इसे लगाएं। उसके बाद आप रात को सोने से पहले सिर्फ आपने सादा पानी से मुंह धोना है साबुन से या फेस वॉश आप यूज नहीं कीजिएगा। और सुबह उठ के आपने जो नॉर्मल सोप या फेस वॉश यूज करते हैं वो आपने इसे यूज करना है अपने चेहरे पे। इसे आप बाजुओं पे नेक पे व्हाटएवर कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा ये बादाम का चूरा ऐड करना है। देखिए बादाम का चूरा ऐड किया है फ्रेंड्स। इसके जो हमारी क्रीम है फ्रूट क्रीम है ये इसमें बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है इसमें फैटी एसिड्स हैं इसमें प्रोटीन है। ये तमाम के तमाम जो इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं आपकी स्किन को बहुत हेल्दी बनाते हैं ग्लोइंग बनाते हैं चेहरे पर बहुत ज्यादा निखार लाते हैं और एक्नी और ब्लेमिशेस को रिमूव करते हैं और फ्रैकल्स को रिमूव करते हैं और स्पेशली सनटैन को भी रिमूव करते हैं। फ्रेंड्स अब हमें चाहिए होगी थोड़ी सी इसमें फेयर एंड लवली क्रीम। फेयर एंड लवली क्रीम का आप 20 रुपए वाला साशा भी इजीली आपको हर दुकान से मिल जाएगा वो भी आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं फेयर एंड लवली के साशे को भी। ये फ्रेंड्स क्रीम है ये थोड़ी सी आपने क्रीम इतनी क्वांटिटी में क्रीम की आपने मिकदार कम लेनी है ज्यादा नहीं लेनी क्रीम की मिकदार क्योंकि इसमें पहले ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंग्रीडियंट्स हैं। देखिए आप इसे अच्छी तरह इसे मेल्ट करें जितना आप इसे अच्छी तरह मेल्ट करेंगे जितना आप इसे ग्राइंडर वगैरह में या ब्लेंडर में तो इसे मिक्स ना कीजिएगा आप इसी तरह के हवन दस्ते में। लेकिन आप हवन दस्ते का ये ख्याल रखिएगा कि आपने जो चीज भी लेनी है वो मेटल वाली नहीं लेनी या तो आपने प्लास्टिक की लेनी है या मार्बल की लेनी है लेकिन मेटल वाली ना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखें ये हमारी क्रीम तैयार हो चुकी है ये इस तरह के कलर में। अभी मैं आपको हाथ पे भी थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा देता हूं। ये आपने इस तरह हाथ पे इसे अप्लाई करना है ये चेहरे पे आपके ग्लो भी लाएगा साथ साथ आपके चेहरे पे लाली और सुर्खी भी लाएगा। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमारा चेहरा फीका 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 है डल है उसपे लाली नहीं है चमक नहीं है जिंदगी की तो उनके लिए भी बहुत अच्छी है। ये देखें थोड़ी सी क्वांटिटी में ही लगाने से इस पर कितनी ज्यादा चमक आ गई है। आप ये वाला हैंड देखें और ये वाला हैंड देखें कि इनमें कितनी आपस में डिफरेंस हो गया जस्ट एक एप्लीकेशन के थोड़ा सा इसे क्रीम को मलने से। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने आपको स्ट्रॉबेरी की क्रीम बनाने का तरीका बताया था इसके इंग्रीडियंट्स के बारे में बताया था तो देखें हमारी ये क्रीम जो है रेडी तैयार हो गई है। ये थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी कलर में है यानी थोड़ी सी पिंकिश कलर में है।
तो फ्रेंड्स इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स थे वो आपने देख भी लिए होंगे हमारे प्रोसीजर में, क्या आपने हाउ टू मेक इस तरह बनाई है ये। तो फ्रेंड्स इसमें था स्ट्रॉबेरी शामिल थी, बादाम का पाउडर शामिल था, मुल्तानी मिट्टी का शामिल थी, दही शामिल थी, और इसके अलावा इसमें थोड़ी सी फेनल नबली भी ऐड की थी। तो फ्रेंड्स ये क्रीम ये देखिए इस तरह की रेडी हो चुकी है, मैंने हाथ पे आपको अप्लाई करके दिखाई थी। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने इसे रात को सोने से पहले फेस पे किस तरह अप्लाई करना है। फ्रेंड्स ये देखें बिल्कुल इस तरह की क्रीम की शेप में तैयार हो गई है। अब आप ये देखें क्रीम, थोड़ी सी क्रीम आपने अपने फेस पे अपने फ्रेंड्स आपने लगानी से जिस तरह क्रीम की शेप में है ना इस तरह लगानी है जिस तरह आप क्रीम लगाते हैं, कोई आपने मास्क की टाइप पे नहीं लगाना है। इसे देखें आप इसे के ये इसे नाइट इसे लाइटली लाइटली आपने इसे मसाज करना है क्रीम को। ये देखें ये क्रीम को आपने लाइटली लाइटली इस तरह इसे मसाज करना है। ये लगाने के बाद आपने इस क्रीम को तकरीबन कोशिश करें 5 से 7 मिनट आप इसका मसाज करें ताकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो नेचुरल फैट्स मौजूद हैं, जो इसके मिनरल्स हैं, जो इसमें विटामिन्स हैं क्रीम में शामिल, तमाम के तमाम आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएं। फिर आपने इसे छोड़ देना, फिर अगर आप लगाना चाहें तो पूरी ऑल नाइट भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे 3 से 4 घंटे बाद भी इसे रिमूव कर सकते हैं सादे पानी से। देखिए फ्रेंड्स ये माथे पे भी आपने अपने नेक पे भी लगाना चाहें तो आप इसे इजीली नेक पे भी लगा सकते हैं, नेक पे बाजुओं पे व्हाटएवर जहां भी आप लगाना चाहें। फ्रेंड्स ये देखेंगे क्रीम लगाते के ही कितना ज्यादा चेहरे पे ग्लो आ गया, निखार आ गया। ये देखें हमारी क्रीम आपने इसे लाइटली से हार्डली से रब नहीं करना है स्किन पे, इसे लाइटली लाइटली आपने इसे मसाज करना है चेहरे के ऊपर हल्का हल्का सा। देखिएगा कि इसकी आपके जो फ्रैकल्स होंगे फ्रैकल्स भी रिमूव होंगे, साथ आपके जो आईज के गिर्द इस तरह डार्क सर्कल्स बन जाते हैं ये भी रिमूव होंगे और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग और निखरी निखरी हो जाएगी जस्ट इस क्रीम के यूज से। आपको कोई फेशियल कोई पार्लर कोई जाने की कोई के महंगी एक्सपेंसिव क्रीम वगैरह कुछ भी यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स अब हमारी क्रीम जो है फेस पे कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने इसे 3 से 4 घंटे बाद या तो सादे पानी से रिमूव कर देना है, अगर आप ऑल नाइट लगाना चाहते हैं तो ऑल नाइट भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप हेल्थ एंड ब्यूटी के किस सब्जेक्ट पे देखना चाहते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।